बिहार के नवादा जिले में दबंगों का कहर देखने को मिला। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया। इससे 80 घर धधक उठे। आगजनी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी दबंग मौके से फरार हो गए। वहीं गांव में इतने सारे घर एक साथ जलते देख चीख पुकार मच गई। अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना जलता देख महिलाएं, बच्चे और बच्चियां चीखने चिल्लाने लगे। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पूरी बस्ती को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं और वो तस्वीर भी अब सामने आ गई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी घटना मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, बिहार के नवादा जिले की ये पूरी घटना है, मुफस्सिल थाना इलाके की घटना है। दबंगों ने एक दलित बस्ती में आग लगा दिया, 80 घर धधक उठे। आगजनी के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद चीख पुकार मच गई। ये देख लीजिए किस तरह से वो बस्ती जल रही थी, चीख पुकार मच गए। उसके बाद बच्चे हो, महिलाएं हो, सब में चीख पुकार मच गई। 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पूरी बस्ती को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन वहां पर मौजूद है, अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन आप एक बार इन चार तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि बिहार के नवादा में क्या हुआ है, कितना विभत्स हुआ है, कितना भयावह हुआ है, कितना खतरनाक हुआ है, दिल दहला देने वाला हुआ है, झकझोर देने वाला हुआ है। और प्रशासन को चुनौती देती इन चार तस्वीरों पर गौर करेंगे। 80 घर फूंक दिए गए हैं, रोते बिलखते हुए लोग आपको एक तस्वीर में दिखेंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो बिहार की शासन और प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़ी कर रही है। की मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है, नहीं तो ऐसी बॉडी मिली है। अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे हवाई फायरिंग की गई थी, उसमें अभी तक कोका हमें प्राप्त नहीं है। लेकिन हमारी टीम यहाँ पे सर्वे कर रही है, कैंप कर रही है। इसके अलावा जो है लाइन से हमने फोर्स यहाँ पे कैंप की हुई है, हमारे जो एस एच ओ हैं यहाँ पे कैंप करेंगे। हमने अभी तक जो मेन अक्यूज थे उनको क्लेम किया जा रहा था, उनको हमने गिरफ्तार किया है। साथ साथ उनके साथ 10 लोगों को थोड़ा सा नीचे लो, इलो थोड़ा सा नीचे। हर जले तत्क्षण हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ और पुलिस बल सब लोग आए, अग्निशमन दल भी आया और आग को बुझाया गया है। देखिए 21 घर की क्षति हुई है और इसका विशेष सर्वेक्षण भी हम लोग विस्तृत कर रहे हैं यहाँ की, और एक और यहाँ पर गिरफ्तारी भी हुई। घटना का कारण क्या है? घटना ये है क्या, यहाँ पर पहले से टाइटल चल रहा था और उसी टाइटल के क्रम में एक भूमि का विवाद भी है, उसी के क्रम में प्रतिपक्षी लोगों ने किया है, ऐसा इन लोगों ने बताया। तो ये हमने आपको नवादा के एसपी और डीएम का बयान सुनवा दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिहार के नवादा में आखिर हुआ क्या था। पूरी घटना एक बार यहां जानिए। दलितों की बस्ती में आग लगा दी गई, 80 घरों में आग लगाई गई। जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था, विवाद के बाद दबंगों पर फायरिंग का भी आरोप है, मारपीट और आगजनी का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने फिलहाल 10 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो ये पूरी घटना है जो मैं आपको बता रहा था। 80 घरों में सोची आग लगा दी गई है, जमीन को लेकर पहले विवाद चल रहा था। जमीनी विवाद बिहार में ये बहुत आम हो गया है और ऐसी घटनाएं बिहार में कभी फायरिंग देखने को मिल जाती है जमीन को लेकर। अभी जो घटना हुई है, 80 घरों में आग लगा दी गई। अब शशांक मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से मेरे साथ बने हुए हैं, मैं आपको सीधे वहीं लिए चलता हूं। शशांक, आप जब रात में पहुंचे तब आपने क्या देखा? अभी तक जो लोगों से आपकी बातचीत हुई उसके आधार पर बताइए जरा। देखिए, सबसे पहले ये जो तथाकथित सुशासन की सरकार है उसको जवाब देना पड़ेगा। इस वक्त मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। नवादा के कृष्णा नगर के इसी दलित बस्ती में दबंगों का जो आतंक है वो देखने को मिला है। दबंगों ने बुधवार देर रात कई घरों में आग लगा दी। हालांकि पुलिस 25 से 30 घरों में आग लगाए जाने की पुष्टि कर रही है। घटना के बाद से पुलिस की टीम घटनास्थल पर कैंप कर रही है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वैसे घटना के बाद से ग्रामीण दहशत में है, लेकिन अभी हालात यहाँ पर नियंत्रण में है। इन लोगों का आरोप है ग्रामीणों का कि दबंगों ने फायरिंग की और उनके साथ मारपीट भी की है। घटना का कारण जमीन विवाद है। 10 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। सब कुछ जलकर यहाँ पे राख हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पे जो है आग पर कल रात काबू पाया गया। यहाँ के जो लोग हैं हम उनसे बात करेंगे और पूरी चीज़ों को जो है वो
समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम हुआ। कैसे हुई पूरी घटना? पूरी घटना बोले तो ये जमीनी विवाद है, ये 95 में केस हुआ है, अभी 29-30 साल से केस चल रहा है, लेकिन इसमें कुछ अभी डिस्कस नहीं हुआ था। लेकिन इन लोग के पास DCLR का जजमेंट भी है। अच्छा। इन लोग के पास 80 का जो जजमेंट है, उसके बाद में इनको लोग को दे दिया गया है जमीन, जो कि प्लॉट वार बना करके उसके बाद नक्शा सभी बना करके दे दिया गया। तो उसके बाद में क्या किया है कि भू माफिया के द्वारा इनका जमीन को क्या किया गया है, बेच दिया गया। सरकारी जमीन है? ये सरकारी जमीन। आप लोग भी रह रहे हैं तो आप लोग खरीदे थोड़ी है? नहीं खरीदे तो नहीं है सर, लेकिन बंदोबस्ती कर दिया गया है, सिर्फ पर्चा नहीं मिला था। अच्छा। इसके लिए इन लोग को अभी कमजोर पड़ जा रहे हैं लड़ने। अच्छा ये बताइए मामला कोर्ट में भी पेंडिंग है? हाँ रिकॉर्ड में पेंडिंग है सर। इस तरह की बात आ रही है कि यहाँ के लोगों ने पहले सुरक्षा की गुहार लगाई थी लेकिन पुलिस सुनी नहीं, तो क्या? जी हाँ, ये हम बता रहे हैं कि DM साहब से लेकर के हर पदाधिकारी को हम लोग आवेदन दे चुके हैं कि खेती बाड़ी का सीजन हो आ गया है सर, हम लोग को सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, लेकिन अभी तक कोई सुरक्षा मुहैया नहीं। तो कितनी बड़ी लापरवाही पुलिस की है ये देखने को मिल रही है। इन लोगों ने गुहार लगाई थी सुरक्षा की, ये लोग बार बार कह रहे थे कि हम लोगों को खतरा है, लेकिन इन लोगों की सुनी नहीं गई है। अच्छा ये बताइए, सब कुछ तो जलकर राख हो गया, आपका जो नुकसान होना था वो हो गया, डरे हुए हैं? मेरा यहाँ घर तो नहीं, शाम तो सुबह आए हैं। सुबह आए हैं तो क्या पहले भी ऐसा यहाँ पे टकराव देखने को मिला? पहले देखने को मिल रहा था, पहला भी हो चुका है? जी सर। तब भी पुलिस अलर्ट नहीं हुई थी? नहीं सर। बहुत पहले भी हुई गोलीबारी। कब हुई थी पिछली बार गोलीबारी यहाँ पे? लगभग 2 महीना पहले की। अच्छा ये बताइए आप लोग कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग बहुत दिन से रह रहे हैं। आपका भी घर जल गया? जी। कैसे क्या हुआ था, कितनी संख्या में लोग आए थे यहाँ? यहाँ कम से कम 50-60 आदमी आया था, एक दफा तो आके हम लोग के उधर छेक लिया, इधर भी छेक लिया, हम लोग के किधरों जाने का रास्ता नहीं मिला, बाल बच्चा देखें कि अपना जिंदगी देखें। अच्छा ये बताइए फायरिंग भी हुई है? हाँ फायरिंग भी हुआ है। आप लोगों के साथ मारपीट भी की गई? हाँ मारपीट भी किए गए हैं। और ये बताइए कि पुलिस कितने देर के बाद आई? पुलिस 1 घंटा के बाद आया है। मतलब हाँ बोलिए बोलिए। 1 घंटा के बाद आया है पुलिस। शशांक ये भी पूछिएगा कि दूरी कितनी है जहाँ पर ये घटना हुई, जो घटना स्थल है यहाँ से थाने की दूरी कितनी है, इन्फॉर्मेशन कब दी गई थी और पुलिस कितने देर में आई, कितने लोग आए थे ये भी जरा पूछिए। ये बताइए यहाँ से थाने की दूरी कितनी दूर है? ज्यादा से ज्यादा तो मुश्किल से 2 किलोमीटर का। 2 किलोमीटर की दूरी पर थाना है विवेक, सोचिए कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है बिहार में। आप देखिए सब कुछ इनका जलकर राख हो गया है, अपने सामने ये लोग अपने आसियाने को उजरते हुए देखे हैं, यहीं पर क्या बीत रही है ये यही लोग जान रहे हैं। वैसे रात से पुलिस की टीम यहाँ पे कैंप कर रही है, 10 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, अन्य जो है लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। ये लोग कई वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं और देखिए इन लोगों का कहना है कि पहले भी इस तरह की घटनाएँ हो चुकी हैं, उसके बाद भी पुलिस अलर्ट नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर किस तरह से जो है वो काम यहाँ पे पुलिस की टीम कर रही है। सो दहशत का माहौल तो ये है भी, हम अन्य भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा ये बताइए कि कब से आप लोग आ रहे हैं, कितने सालों से? पास के गांव के हैं तो यहाँ के लोग कब से रह रहे हैं, कुछ आइडिया है आपको? 25 साल से हो रहे लगभग, बताइए 20-25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। क्या काम काज करते हैं? हम लोग यही से खेती की रस्ती मजदूरी भी करता है। खेती करते हैं उसी से जीवन चलता है? जीवन तो सब है। तो कल क्या कुछ देखे, क्या कुछ सुने? वो सर रात के समय में हम लोग क्या पता। शशांक आप हमारे साथ बने रहिए।